नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया कश्मीर और उरी हमले का मुद्दा, कहा उरी हमले के दोषियों को जरूर मिलेगी सजा, उरी हमले के शहीदों को किया नमन। यूएन महासभा में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, उरी हमले और कश्मीर पर पाक को दे सकती है करारा जवाब। यूएन महासभा में पाक ने उठाया था कश्मीर का मुद्दा। पीएम मोदी के भाषण पर पाक का पलटवार, कहा भारत पाकिस्तान में फैलाता है आतंकवाद। कोझिकोड में भाषण के दौरान मोदी ने पाकिस्तान को बताया था आतंकवाद निर्यात करने वाला देश। हफ्ते भर से जारी युद्ध विराम टूटने के बाद सीरिया में हवाई हमले, रूसी लड़ाकू विमानों ने सीरियाई सेना के साथ मिलकर 24 घंटे में किए 200 हवाई हमले। हमले में मारे गए 100 से ज्यादा लोग, ईयू और अमेरिका ने जताई चिंता। पीएसएलवी के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू, अब तक के सबसे लंबे मिशन के लिए श्रीहरिकोटा से कल उड़ान भरेगा पीएसएलवी। प्रक्षेपण के तहत एक मौसम संबंधी और अन्य 7 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में किया जाएगा स्थापित। पाक रूस युद्धाभ्यास के दौरान पाकिस्तान का लड़ाकू विमान F-7PG दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में पायलट की मौत। पिछले साल बलूचिस्तान में पाक वायुसेना का एक और F-7PG लड़ाकू विमान हुआ था दुर्घटनाग्रस्त। कानपुर टेस्ट मैच के तीसरे दिन मजबूती की स्थिति में भारत, जीतने के लिए भारत को न्यूजीलैंड के सामने रखना होगा 400 रनों का लक्ष्य। तीसरे दिन के खेल में 262 रनों पर सिमटा था न्यूजीलैंड। ये तो ही अब तक की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।